देसी टॉक अपन बात अपन अंदाज। जय हो, मैं हूँ संदीप अखिल। आप देखो तो हमारे साथ देसी टॉक। देसी टॉक में आज हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल जी। आपके बहुत बहुत स्वागत है देसी टॉक में। जोहार। बात की शुरुआत करथन कि आपके जिन प्रारंभिक शिक्षा है वो कहाँ हुई से? मोर प्रारंभिक शिक्षा मोर गाँव के स्कूल नंदेली। हाँ, वहाँ हुई से। ओकर बाद भोपाल में हुई से। हाँ, और भोपाल के बाद मोर जो कॉलेज है तेहा भिलाई में, BIT दुर्ग है। हाँ, वहाँ से मैं इंजीनियरिंग करे हूँ। अच्छा, आप वहाँ ले इंजीनियरिंग करे हो, आज उच्च शिक्षा मंत्री हो, तो क्या सब चीज़ें तो आप समझते हो? जतका इंजीनियरिंग की चीज़ है, जतका उच्च शिक्षा की चीज़ है तेला? हाँ, थोड़ा बहुत कब वो इंजीनियरिंग कॉलेज पढ़े हों तो उकर हाँ, जो समस्या है, जो हमारा समस्या ई स जैसे लगते वह बिल्कुल समझ में आते। हाँ, आप राजनीति आप लग विरासत में मिले है, बाबूजी से जुड़े कोनो बात बताओ जिन आपकी स्मृति में हुआ है। वो एक शब्द ल बार बार बोले रह रह के वही बात ही आ जाते मुला जब भी सोचिया पिताजी के बारे में। तो वो ये कहे कि काकरो भी आत्मसम्मान ल ठेस मत पहुँचिए। ये बात लोग बार बार बोले। कोई ले सम्मान नहीं देना, कोई ले सम्मान देना वो अलग बात है। हाँ। लेकिन कोई भी व्यक्ति से हो ही जेकर आत्मसम्मान ल कभी भी ठेस मत पहुँचाइए। बहुत अच्छा बात। ये बात लोग हमेशा बार बार बोले अपन के लाइफ में, इसको बिल्कुल तुमन ध्यान रखे बोले हमला। और ये बात लोग बोले वो हमेशा याद रखे मुला। जिन परिस्थिति में आप आए हो, जिन परिस्थिति में आप राजनीति में आए हो, ऐसा समय में परिवार ला संभालना बहुत मुश्किल काम रही। जिन दौर में आप सब चीज़ ला आप ला संभालना, जैसे राजनीतिक विरासत ला भी, घर ला भी, तो कैसे साहस जुटाए हो आप? वो टाइम बहुत बहुत तकलीफदायक रही। मतलब जब घटना के खबर मिली और घटना के खबर के बाद मतलब बहुत अस्थिर रहे मैं। मतलब कुछ समझ भी नहीं आ रही कि क्या हो गया, कैसे हो गया करके कुछ। लेकिन माल जैसे ही न्यूज़ पता चलीस और वो बेहोश हुईस, तब अचानक से रियलाइजेशन हुईस कि संभालने वाला कोई नहीं है अभी। कब ऐसे हुए कि पिताजी और दिनेश भैया के रहत कभी भी मेरे ऊपर जिम्मेदारी नहीं आ रही है। और अचानक से दोनों के नहीं रहने से, मतलब मोला जब माँ बेहोश हुई ना, तब ऐसे लगी कि अरे कोई देखने वाला नहीं है मोर अलावा। और शायद पता नहीं ऊपर वाले ने ही, ऊपर वाला ही कोई ताकत दिस वो टाइम में। वही कहीं कहीं संभल दिस ऐसे लगते मोला कि वो परिस्थिति से उभर पाए। कहीं ना कहीं भगवान सहा दिखे इस समय में, इस समय में। ठीक कहा था आप, बिल्कुल सही कहना है आपके। और दौर भी बहुत कठिन रही सर। मोर दूसरा प्रश्न ये है कि युवा मन जिन राजनीति में आना चाहते हैं, वो मन कह रहे थे कि अक्सर दिमाग में रही थे कि जैसे घर वाले लोगन बताते हैं कि भाई मैं राजनीति में जाता, तो घर वाले मन मना करते हैं। लेकिन अब समय थोड़ा बदला थे, सब चीज़ खुला थे, दिमाग भी थोड़ा सा विस्तृत हो थे, तो जिन युवा राजनीति में आना चाहते हैं उन पर आपके क्या कहना है? जो युवा राजनीति में आना चाहते उकर वह मुठी पाँच ठी सलाह है। हाँ। सबसे पहले कोई भी ज़्यादातर युवा मन क्रिकेट देखते हैं, उकरेज भाषा में बोलते हूँ, पहले टेस्ट क्रिकेट हुए। हाँ। फिर वनडे आई, अब 2020 हो गया। राजनीति 2020 नहीं हुए, राजनीति टेस्ट क्रिकेट है। तो धैर्य बहुत ज़्यादा जरूरत है, धैर्य की सबसे ज़्यादा जरूरत है। दूसरा संघर्ष लगातार करना पड़ते। तीसरा आलोचना से घबराए नहीं लगे, आलोचना तो होना है तय बात है, और आलोचना से सीखना पड़ी, आलोचना से भागे लेनी बने। और चौथा
तुरंत रिजल्ट नहीं आए तो रिजल्ट के वेट करना पड़ेगी। ये चार चीज जो भी राजनीति युवा में आना चाहते हैं वो मन के ये चार सूत्र अगर समझ नहीं तो राजनीति में सफल होगी। तो विवाह आपके हुई ओखर बाद राजनीति में आप आए, राजनीति में एक बात अतका व्यस्तता हो जाते तो कैसे समय दे पात हूँ धर्म पत्नी ला भाई? ये कंप्लेन तो हमेशा रहते हाँ। और एक ठी चीज़ है क्योंकि शादी हुए 7-8 दिन हो रही हाँ। और ये घटना हुई हाँ। घटना के बाद के समय में जो सपोर्ट पत्नी से मिलना रही वो सपोर्ट मिली मला, मतलब उसका कम एज में ओकर उसकी समझ रहना ये भी एक बड़े चीज़ है। अच्छा वो पहली बार शादी होके आ रही और ज़्यादा दिन तो हो रही नहीं, 7 दिन हो रही है, उसका जल्दी एडॉप्ट होके समझ के मोला सपोर्ट करना ये बड़े चीज रही। सो शायद मैं बोला कभी धन्यवाद नहीं बोल पाया हूँ आज हमारे माध्यम से तो आपके माध्यम से मैं पत्नी ला भी आज बहुत धन्यवाद कहा था, उसका बहुत सपोर्ट मिली सुख में। वो टाइम बहुत क्रिटिकल रही, बहुत क्रिटिकल टाइम रही था, पूरा प्रदेश भर रही थे, हर आदमी सोचा है कि स्वर्गीय नंद कुमार पटेल जी, दिनेश भाई, ये सब के जाना रही से लोगों ने समझ में नहीं आते हो कागे है और ऐसे समय में वो आपके कंधे से कंधा मिला के चली ने एक बड़ी बात कुछ हो नहीं सका, बहुत सपोर्ट की। जिसे आपके जीवन ला देखे जाए तो मोला राजीव गांधी जी के जीवन याद आते कि बड़ा विपरीत परिस्थिति में वोला राजनीति में आयल पड़ीस, वह पायलट रही से वैसे आप इंजीनियरिंग की दिशा में आगू बढ़त रहे हो और राजनीति में आप आए हो तो कैसे आप कई तरीके से राजनीति ले समझे हो राजनीति में आगू बढ़े हो? शुरू में तो बहुत डिफिकल्ट हुई हाँ। वैसे तो सीखना है तो जीवन पर्यंत की चीज़ है हाँ। ऐसे कोई आदमी नहीं बोल सके, ना आप बोल सका, ना मैं बोल सको, ना कोई भी, कि मैं आज सीख गया सब कुछ ठीक है हाँ। जीवन पर्यंत सीखे बड़े। लेकिन जब मैं हो ये कि जब पिताजी रही हम और बड़े भाई रही तो पिताजी के मदद करे वो बड़े भाई हमेशा हमेशा साथ रहे, साथ रहे। हाँ। और वो ओला इंटरेस्ट भी रही पॉलिटिक्स से हाँ। मैं थोड़े से दूर रहे हाँ। मैं अपन के काम अपन के वो वहाँ तक सीमित रहे, बहुत ज़्यादा इंटरफेयर मोर राजनीति में या चर्चा परिचर्चा में मुन्नी रही। लेकिन जो घटनाक्रम हुई सोकर बाद जब राजनीति में आए तो शुरू में सब चीज़ समझे में बहुत तकलीफ हुई, मतलब शुरू के एक साल तक तो ऐसे लगे कि मैं कहाँ आ गई, कैसे मैं मदद कर पाऊँ आदमी मन के, बहुत अपेक्षाएं हैं, अकल मैं पूरा नहीं कर पाऊँ, ऐसे टाइप के बहुत सारे ख्याल आए। लेकिन धीरे 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 सेटल डाउन होदगी से और चीज में नॉर्मल की तरफ भी बढ़त गई। जिसे हर व्यक्ति के जीवन में एक जन रोल मॉडल रहते जो ला नवा दिशा देते ओला नवा ऊर्जा देते, आपके जीवन के किसन कौन रोल मॉडल है जला देख के आप आगू बढ़े हो जीवन के पथ में आगू बढ़े हो? मोर पिताजी, मोर पिताजी के जो व्यक्तित्व रही सो का जो संघर्ष रही बहुत वो मोला बहुत ज़्यादा ऊर्जा देते ओकर संग ओकर जैसे बने के जो एक छोटे से गांव के सरपंच से लेकर बहुत बड़े उदाहरण गृह मंत्री से प्रदेश अध्यक्ष अपन के कांग्रेस कमेटी के और वैसे वो रास्ता ला वो पार करके गए रही इसके ऊपर संघर्ष ही है एक बहुत बड़े उदाहरण में जुनमन जहाँ से आप देख सका था वो बहुत ऊर्जा देते मुला मुला पिताजी के एक ठी बात है जो मैं आप लोग बताना चाहा कि जब पहली बार उन्हें टिकट मिली हाँ। विधायक के तब वो सरपंच रहने का हाँ, हाँ। और ओकर 2 साल के पहले लगभग अर्जुन सिंह जी और दिलीप सिंह जुदेव जी के चुनाव रही खरसिया चुनाव ओमे वो काम करी नापन जैसे भी। लेकिन जब पहली बार टिकट मिली तो मोर दादाजी मोर ताऊ जी मोर माँ भी सब बोलत रही कि नहीं ये सब नहीं करना है। लेकिन ये ओकर विल पावर रही कि
जाना है, इसमें कर सकते हैं और मेरे अंदर वो काबिलियत है, ये जो कर अंदर के सोच रही वो लेके वो आगे बढ़ गए। वो बड़ा सरल और सहज भी रहे बात ला करे कि जिन ओकर तरीका इस काबर के उनकर से मोर बहुत बार मुलाकात हुआ है, बहुत बार मैं बैठत रहे उनकर साथ, तो बड़ा आम बात जिन है बड़ा अच्छा से कहा है, वो बहुत सुंदर तरीके से कोई बात ला समझाए, कोनो भी आदमी है ओला बहुत अच्छा समय देना, मतलब एक राजनेता में जिन गुण होना चाहिए एक अच्छा राजनेता में, वो सब जिन है स्वर्गीय पटेल जी में रही से, मतलब ये उकर खूबी रही कि ज़्यादातर आदमी मतलब महसूस हो कि मैं उनका सबसे करीबी आदमी हूँ। हाँ ज़्यादातर आदमी मतलब ठीक कहना, ठीक कहना, ये उकर खूबी रही कि हर व्यक्ति लिए महसूस करा दे वो कि आप मेरे सबसे प्रिय हो, आप मेरे सबसे करीबी हो गए, ठीक कहना, ये उकर में जो खूबी रही शायद बिरले आदमी में रहते। और दूसरा उकर याददाश्त, वो बहुत बिरले, मतलब कोई भी व्यक्ति जो ना वो 10 साल से नहीं मिले है, नहीं हमन जावन तो नाम से बोला हुआ, हमेशा नाम से बोला है, जैसे जब भी मैं जावा तो नाम से बुला के ही बैठा हुआ है, तो ये विशेष गुण रही उकर में। तो ऐसे बहुत से उकर में क्वालिटी रही जो ना बहुत कम व्यक्ति में रहते, उकर बहुत कम समय में बहुत तेजी से वो आगे बढ़ी। इंजीनियरिंग कॉलेज के बड़ा मज़ेदार रही थे क्षण, चाहे हॉस्टल के जीवन हो चाहे कॉलेज के टाइम हो, से जुड़े कुछ बात बताओ ना। कॉलेज से जुड़े हुए बहुत कम बात बताए जाते हैं। उम्र से काट दिन सरांश में जिन कुछ बात हो। कॉलेज के 4 साल बहुत बहुत अच्छा गुजरी हमार। हाँ। वो 4 साल ग्रुप में कौन कौन दोस्त के जिन ग्रुप बनते थे वहाँ, रायपुर के ही बहुत सारे, सुमित राम रानी, प्रेम रहीस, प्रकाश, बहुत सारे, पवन, इवन के हमन के ग्रुप रहीस। हाँ। एक बार तब हमन ये टेक्निकल यूनिवर्सिटी नहीं रहीस। हाँ। पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी रहीस। हाँ। तो हमारे एग्जाम के डेट पोस्टपोन्ड हो गए। हाँ। तो पोस्टपोन्ड हो गए और नया डेट नहीं आ रही। तो हमन ये सोचे कि चलो कहीं से घूम के आ जाया जाए वो बीच में। तो हमन घूमे चले गए कहीं। जब वहाँ पहुँचे तो हमला फोन आईस कि कल एग्जाम है। अच्छा। एग्जाम का नया डेट आगे है और कल या परसों एग्जाम है करके। तो वहाँ से हमन टिकट विकेट मिलिस नहीं, जनरल बोगी में बैठ बैठ के बड़ा मुश्किल से एग्जाम के 5 से 10 मिनट पहले हमन पहुँचे रहे। वैसे ही पेन वेन लेके जैसे रहीस ट्रेन से उतर के जैस भागते हुए हॉस्टल पहुँचे, पेन वेन ले लो सीधा एग्जाम हॉल। कभू जैसे कई बार कहा होते जेखर परिवार राजनीति से जुड़े रही थे तो कभू भी जैसे कुछ होते तो दोस्त यार बने रहते, बोल फोन करके बोल यार इसी से बात है, तो इसे दबाव आतरी नहीं आतरी दोस्त यार बन के। आप लोग मैं बताऊँ मोर ज़्यादातर दोस्त मतलब पता नहीं रही कि मोर पिताजी गृहमंत्री रही। अरे वाह बहुत बड़ी बात है। बहुत कम लंबे बात लबतक रख रहे हैं। हाँ। और बहुत कम जिला पता रहे। अच्छा क्या बात, थोड़े से ऐसे लगे कि जब तक काकरो से खुले नहीं और पहली बता देवे तो वो थोड़े सारे ऐसे टाइप के वो कर फीलिंग रहे। हाँ सामान्य रहे। हाँ समान तरीके से जीवन जी। तो बहुत कम आदमी मतलब पता रहे कि मोर पिताजी गृहमंत्री। बहुत अच्छा, आज के समय में तो इसे आदमी की पहली प्रदर्शन करते, प्रदर्शन के समय चागे है, इसे टाइप की सोच भी है, बहुत बड़े बात है। कोई ऐसे शिक्षक जिन आपला आज भी याद हो? मोर प्राइमरी स्कूल के जो नंदेली गांव के एक बड़े गुरु जी बनहर गांव के ओकर मतलब स्कूल के छुट्टी भी हो जाए। हाँ। और छुट्टी होए के बाद उनकर आदत रही कि वो एक राउंड सब जगह लगाए। अच्छा। सबके घर में जाके बताएंगी ये लड़का ऐसे करत है, ये लड़का ऐसे करत है, ये ऐसे है वैसे है करके। तो वो आठ कक रहे तो हमन सड़क पे खिलत नहीं दिखन। अच्छा। घर सीधा। तो उकर एक बहुत इम्पैक्ट रही, उनका नाम बड़े गुरु जी बोलन होगा। अच्छा। और बहुत दमदार आवाज़ था उनका।
आवाज में एक वो फोर्स रहीस और सबसे ओकर बड़े बात रहीस कि वो हमर गांव के दो पीढ़ी ला पढ़ा रही। अच्छा, दो पीढ़ी उनके उससे निकले रही नौकर पढ़ाई से। तो हमारे पिताजी मन भी कुछ नहीं बोले सके। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो वो कर एक बड़ा याद थे सर जी के, गुरु जी के। मोटरसाइकिल कौन सा साल में मिली साहब? मोटरसाइकिल मोला कॉलेज के फोर्थ थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में? अच्छा, तो जब गाड़ी मिली सोखर बाद फिर चालू हुई इसकी घूमना घामना तीस भिलाई इधर सब चारों तरफ। हाँ हाँ, पहली का रहा है गाड़ी ले पहली एक साथ नहीं देती रही, पहली साइकिल सीखो फिर पापा दूसरी गाड़ी, फिर लास्ट में मतलब आदमी जब कॉलेज पढ़ जाए तभी गाड़ी मिलत रही। नहीं, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में बोले नहीं मिलीस साइकिल रहीस। हाँ। कॉलेज के सेकंड ईयर बोले नहीं मिलीस। हाँ। साइकिल नहीं काम करे। थर्ड ईयर मोला हड़ताल करे लगीस कि नहीं मोटरसाइकिल चाहिए करके। हाँ। तब जाके थर्ड ईयर में मिल रही गाड़ी। खाए का पसंद करता हूँ, फेवरेट का चीज है? खाना में तो अलग अलग, जैसे माँ बने ही इधर। हाँ। अलग अलग है, जैसे अगर माँ बने ही तो वो भिंडी जो बनाते माँ। अच्छा। वो बहुत पसंद है मोला। अगर मोर पत्नी बने ही तो ओकर बैगन भरता बहुत पसंद है मोला। अच्छा, तो ऐसे अलग अलग है। हाँ। माँ के बनाए भिंडी के अलावा और कौन ऐसा डिश है जन काबर की माँ के स्वाद तो कोनो पाच नहीं सके, तो ऐसा कोई चीज़ जन माँ के बनाए जैसे रायपुर आ गए तब वो ध्यान में रही थे वो माँ वाले टेस्ट नहीं आए भाई उसका टेस्ट तो कहीं नहीं आए। हाँ, यही बात है। वो टेस्ट तो है उकर जो वो जो भिंडी बनाते हैं उसका टेस्ट तो कहीं नहीं आए। लेकिन ऐसे नॉर्मल में भिंडी पसंद है मुला। अच्छा, कोनो फिल्म आप देखते हो कि नहीं देखते हो? हाँ, देखूँ। कौन कौन से फिल्में देखते थे जिन फेवरेट आपकी हीरो कौन है? फेवरेट हीरो तो अक्षय कुमार। हाँ। तो कोई पिक्चर देखी नहीं देखे जो अभी आई थी मिशन मंगल? अभी रिसेंट में तो कोई पिक्चर नहीं देख पाया हूँ मैं। हाँ। जब वहाँ रहो आप BIT कॉलेज में जब पढ़ाते रहे तो टाइम तो बहुत सभी पिक्चर देखने तब तो सभी पिक्चर देखते रहे। और हीरोइन कौन अच्छा लगते हैं? हीरोइन काजोल ओखन अच्छा। अच्छा, शाहरुख खान और काजोल की जोड़ी की काजल बस काजोल बस। अच्छा, काजोल की एक्टिंग पसंद है। कोई ऐसे फिल्म जिन्हें आप लोग बहुत पसंद आए हो? रियलिस्टिक मूवी हमेशा पसंद रही मोला। हाँ। और जब छोटे रहे तो बॉर्डर पिक्चर मोला बहुत ज़्यादा हिट कर रही। वो पिक्चर बहुत ज़्यादा मैं कई बार देखे हूँ। खेल में का पसंद करते हो आप? खेल में वॉलीबॉल और क्रिकेट बहुत पसंद करूँ मैं। हाँ। वॉलीबॉल बहुत खेलते रहे। हाँ। और क्रिकेट भी बहुत। क्रिकेट में का करो, बैट्समैन है बॉलर रहे आप? नहीं, ऐसे कोई बड़े स्तर में नहीं खेला हूँ। हाँ। बट कॉलेज में, स्कूल में, गली में, गाँव में। हाँ। तो गांव के बात याद आई इसमें कि मैं जब भी खरसिया अल्लाह देखता हूँ, आप जब जनता से मिलता हो या गांव में जाता हो, कोनो भी गांव जाओ विधानसभा क्षेत्र की, तो वहाँ के मन लोगन मन जिन्हें आप लड़का कसमाया करते हैं, कोनो गाल छूते हैं, कोनो बहुत उनखर जिन प्रेम है ओखर कोई मोल नहीं है, आपके का कहना है? बहुत प्रेम मिलते, बहुत कोई भी गाँव में प्यार तो मुला बहुत मिले है। बहुत आज भी मिला थे। और मतलब ऐसे नहीं है कि कोई हमला वोट नहीं करे, वो भी प्रेम नहीं करे, ऐसे नहीं होए। ठीक कह रहे हैं, वो चयन हो सका थे, भले चयन हो सका थे। हाँ। उकर पसंद कोई और हो सका थे, लेकिन हमला प्रेम जरूर करते। वो प्रेम तो बहुत मिले है खरसिया विधानसभा के। मैं हमेशा ये बात ला मानता हूँ कि कोई भी गांव में जहाँ काकरू ठीक मिला तो सबे वहाँ, चाहे BJP के भी हों, चाहे बसपा के भी हों, अहू मन से बहुत प्रेम मिले हैं। कांग्रेस के
के आदमी बनकर तो बहुत प्रेम मिलते हैं। आप युवा मन के प्रतिनिधि भी हो और एकर पहली मंत्री बने के पहले जिन्हें यूथ कांग्रेस की भी आप अध्यक्ष रहे हो, तो छत्तीसगढ़ के युवा मल्ला लेके का सोच है आपके, कैसे आप युवा मल्ला यहाँ के युवा मल्ला आगू बढ़ाना चाहते हो, का आपके सपना है? एजुकेशन जो आज के हमारे एजुकेशन सिस्टम है, हाँ, वो एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत भारी समस्या है। हायर एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, हायर एजुकेशन सिस्टम में एक भारी समस्या है कि जबकि सीट हामठी है आज उपलब्ध, और जबकि लड़का पढ़ना चाहते हैं, बच्चा मन छात्र छात्र मन पढ़ना चाहते हैं, उकर अनुपात है 1:4 के। ठीक कह रहा हूँ, मैंने एक सीट है और चार ही अप्लाई कर रहे हैं, तो चार गुना स्टूडेंट हामठी हैं और एक गुना पोस्ट है। एकर व हमने एक ठीक नया एजुकेशन पॉलिसी ला थन, वो एजुकेशन पॉलिसी में ये है कि हमार जो रायपुर के लड़का हैं कॉलेज है वो में एक लिमिटेड सीट है, एला कॉलेज ला एक एक्सीलेंस सेंटर की तरह डेवलप किया जाए। अच्छा, एक्सीलेंस सेंटर की तरह डेवलप किया जाए मतलब ये में नंबर ऑफ सीट्स बढ़ जाएगी। हमार जो रायपुर में एक रहुया छात्र है और एक सुकमा में रहुया छात्र है, वो में अंतर का है, जोन प्रोफेसर के लेक्चर हमार रायपुर के अटेंड करते थे वो नहीं कर पाते। ठीक है, क्योंकि कोई भी दूरस्थ अंचल में नहीं जाना चाहे, तो यहाँ जो प्रोफेसर के संख्या है वो वहाँ नहीं है। दूसरा, यहाँ के जो लाइब्रेरी है वो लाइब्रेरी वहाँ उपलब्ध नहीं है, तो जो पुस्तक वाला अवेलेबल है, जो जो प्रोफेसर वाला अवेलेबल है वो वहाँ नहीं है। तो आगे जाके एक्सीलेंस सेंटर बना के डिस्टेंस एजुकेशन ला ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए, ताकि सुकमा के लड़का गोलो अपन के कॉलेज में यहाँ के प्रोफेसर के लेक्चर ला पढ़ सके, सुन सके, यहाँ से यहाँ जो प्रोफेसर जो पढ़ा थे ते वहाँ भी वही प्रोफेसर पढ़ा सके वाला। बहुत अच्छी सोच है। दूसरा, यहाँ जो बुक उपलब्ध है वही पुस्तक वहाँ भी उपलब्ध हो, वो सारा सुविधा जो यहाँ है, तो उससे हमार दो तरह की समस्या खत्म हुई। एक, जो पूरे छत्तीसगढ़ में एक रूपता आ जाएगी, और दूसरा हमारे जो नंबर ऑफ सीट के कमी है अहू दूर हुई। तो ये चीज़ लग करे में बहुत टाइम लगी, ये साल दो साल तीन साल में पूरा हो जाए ऐसे नहीं है, ये प्रक्रिया है। मे बी जो मोर विजन है तेला पूरा होते में शायद 10 साल लग सकते, लेकिन वो जो सीढ़ी बना थे तेकर पहला पत्थर ला अभी हमन लगा थे। बहुत अच्छा, तो ये काम करे कि ये जो कोशिश हमारे है, एजुकेशन पॉलिसी अभी तक बने नहीं है कि भैया आज से 5 साल बाद हम कहाँ देखना चाहते हैं अपने आप ला, आज से 15 साल बाद कहाँ देखना चाहते हैं, आज से 20 साल बाद कहाँ देखना चाहते हैं, तो एक रोड मैप नहीं बने हैं एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में। तो वो रोड मैप बनाए के काम, वो एजुकेशन पॉलिसी बनाए के काम अभी हमारे डिपार्टमेंट करते हैं। मतलब जब हम खेल विभाग में आए तो मोर पहला प्रश्न खेल विभाग में ये रही कि इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से हम पूरा देश में कौन से स्थान में है, छत्तीसगढ़ कौन से स्थान में है, तो मोला बताया कि इसकी 4th नंबर पे है। उकर बाद मोर प्रश्न रही कि जब राष्ट्रीय स्तर के खेल होते तो मेडल में हमारे कौन नंबर में है। अच्छा प्रश्न, तो बोली इसकी 32 नंबर पे है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग 4th नंबर पे हैं, लेकिन मेडल के हिसाब से हम लोग 32वें नंबर पे हैं। बहुत अंतर है। तो ये एक बहुत बड़ा समस्या हमारे सामने उत्पन्न हुई। तो मैं बोले कि अच्छा हमारे कितने एकेडमी चल रहे हैं, तो बोले कि एक भी नहीं है। मतलब पिछले 15-20 साल से एकेडमी नहीं खुले है कोठी जो उनमें हमन ट्रेन कर सकन। तो पहला हमन ये प्लान करें कि हमको छत्तीसगढ़ में एकेडमी बनाना है, कहीं क्रिकेट के एकेडमी हुई, कहीं हॉकी के हुई, कहीं खो खो के हुई, कहीं कबड्डी के हुई, कहीं तीरंदाजी के हुई, कहीं वेट लिफ्टिंग के हुई। तो 11 जगह हमन आइडेंटिफाई करें जहां एकेडमी खोलबो। अच्छा, ओकर कैबिनेट में हमला अप्रूवल मिल चुके हैं। हाँ। और ओकर हमन कोचेज भी अभी हायर करके शुरू कर दे हैं। हाँ। वो एकेडमी में हम का करबो, वो रेसिडेंशियल एकेडमी रही। अच्छा, जोन भी टैलेंटेड लड़का है वो लानबो। हाँ।
ओकर जो इच्छा है, जोन खेल में ओकर रुचि है, वो खेल के ओला हम ट्रेनिंग देबो। आप हमर छत्तीसगढ़ के युवा मन ला का संदेश देना चाहो जेखर से वो अपन जीवन ला बढ़िया बना सकें, आगू बढ़ सकें? छत्तीसगढ़ के युवा को एक ही संदेश दहा में, हाँ, जोन हम मोर हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है, हाँ, कि आप नशे से दूर रहा। हाँ। नशा हमार पीढ़ी ला खराब कर दे, एकदम ठीक कह रहा। और छत्तीसगढ़ में अगर नशा से दूरी हो जाएगी तो छत्तीसगढ़ बहुत तरक्की करी ऐसा लगता है मुझे। उमेश पटेल जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगीस, और साथ में वो पुराना जिन स्मृति रही से उमा भी जाए के मौका मिलीस, देसी टाक में आप आयो, अतेक सुघर बात आप बतायो, अपन से जुड़े बात आप बतायो, एक बार बहुत बहुत आपके आभार, धन्यवाद। धन्यवाद। सिर्फ तो राज एक्सप्रेस में।